सब्सक्राइब करें हिजाबी ट्रेंड्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ डीआईवाई ट्रेंडिंग कुर्ती वी स्लिट नेकलाइन इन एन इजीएस्ट वे पॉसिबल फॉर बिगिनर्स। तो देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है अपना क्लॉथ और नीचे होगा मेरा पेस्टिंग पेपर जो मेजर करेगा 8.5 बाई 8.5 इंचेस का। तो ये हो गया मेरे पास टू पीसेस जिसे मैं करने वाली हूँ पीछे की तरफ और फोल्ड करने वाली हूँ तीनों साइड से बिल्कुल ऐसे और देने वाली हूँ थ्री साइड्स पर फोल्ड करके स्टिच जैसा मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन आपके वीडियो के नीचे ही होगा तो उसे दबाना मत भूलें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिजाबी ट्यूटोरियल्स और इस तरीके के बाकी ट्यूटोरियल्स दिखाऊँ तो प्लीज़ आप शेयर करें इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर और रिकमेंड करें किसी और को भी। और स्टिच करने के बाद मैं करने वाली हूँ अब उसे बीच से फोल्ड और अपने नाखूनों की मदद से देने वाली हूँ जेंटल प्रेस जिससे हमारा मिडिल पॉइंट हमें करेक्टली मालूम पड़ जाएगा। ऊपर मैं देने वाली हूँ अपना नेक विड्थ 3 इंचेस और हाइट मैं देने वाली हूँ 7 इंचेस और ऊपर से मैं देने वाली हूँ 1/2 इंच का पॉइंट दोनों साइड से और उसे बनाने वाली हूँ एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे। और अब उसी स्ट्रेट लाइन पर फोल्डेड पार्ट के पास मैं देने वाली हूँ 1/4 इंच का मार्क और नीचे जहाँ हमने अपना नेक डेप लिया था 7 इंचेस वहाँ तक मैं देने वाली हूँ क्रॉस लाइन। अब मैं करने वाली हूँ अपने पेस्टिंग पेपर को फोल्ड और ऊपर देने वाली हूँ थोड़ा सा प्रेशर तो जो हमने राइट साइड अपना मार्किंग किया था तो लेफ्ट साइड भी हमारा आएगा थोड़ा लाइट मार्किंग वहीं पर तो उसे हम कर देंगे अब थोड़ा सा गहरा जो नज़र आएगा आपको बिल्कुल ऐसा। और अब मैं मार्क करने वाली हूँ अपने कुर्ती का मिड पॉइंट और अब मैं लेने वाली हूँ अपना पेस्टिंग पेपर जिसका मैं मार्क करने वाली हूँ मिड पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाकर मैं करने वाली हूँ इनको पिन। इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि दोनों मिड पॉइंट्स आने चाहिए आपके बहुत सही, इससे आपकी नेक आएगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसी तरीके से मिड पॉइंट्स को ख्याल में रखते हुए हम कर देंगे उसे पिन। और अपनी पिनिंग का पार्ट हो जाने के बाद जो हमारा शेप आया था उसी शेप पर मैं देने वाली हूँ स्टिच। और स्टिच देते वक्त इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जहाँ पर आपके कोने लगेंगे आपको प्रेशर फुट वहाँ पर उठाते हुए जाना है, इससे आपके कोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आएगा। और जैसे ही हमने मार्किंग की थी उसी हिसाब से आपको देनी है अपनी नेक पर कम्प्लीट स्टिच। और पूरी स्टिचिंग हो जाने के बाद बीच में मैं देने वाली हूँ स्लिट तो इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपकी स्लिट आपके स्टिचिंग लाइन से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। और जो साइड में आपके कोने दिख रहे होंगे वहाँ भी देंगे हम स्लिट्स बिल्कुल ऐसे और साइड्स में हम देंगे कट्स जैसा मैं बता रही हूँ अपने वीडियो में। और कट्स देने के बाद जो आपका ऊपर वाला एक्सेस फैब्रिक होगा उसे हम कर देंगे कट दोनों साइड से। और अब हम उसे करने वाले हैं इस तरीके से रिवर्स। और अपने नेक को रिवर्स करते वक्त इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप जितना हो सके उतना अपने कोनों को किसी शार्प चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करें, इससे आपका नेक आएगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल। और अब हम देने वाले हैं उस पर बिल्कुल ऐसे ही टॉप स्टिच और इसी तरीके से मैं देने वाली हूँ अपने पूरे नेक पर टॉप स्टिच। और अगर आपको चाहिए फ्यूचर में और भी ज़्यादा हिजाबी रिलेटेड वीडियोस या इस तरीके के ब्यूटीफुल एंड इजीएस्ट वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो पूरी कंप्लीट स्टिचिंग हो जाने के बाद आपका नेक नज़र आएगा आपको बिल्कुल ऐसा। तो हम नीचे वाले और ऊपर वाले कोने को करने वाले हैं ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड बिल्कुल ऐसे।
और दूसरे साइड भी इन दो कोनों को हम करने वाले हैं फोल्ड, जैसा हमने किया था पहले वाले पर। और दोनों फोल्डिंग हो जाने के बाद अपनी आयन की मदद से हम कर देंगे उस पर जेंटल प्रेस। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे नेक को एक शेप मिल जाए, और ये हमारा शेप इस तरीके से हले ना, तो इसके लिए मैं बिठाने वाली हूँ अपने बटन्स, और नीचे भी मिडिल पर मैं लगाने वाली हूँ एक बटन। तो ये मैं लगा चुकी हूँ अपने 3 बटन्स, और पीछे की तरफ जो मैंने लाइनिंग ली थी उसी को मैंने जॉइन कर दिया है अपने नेक के साथ। तो इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपको पूरी कुर्ती पर स्टिच नहीं देना है, बस अपने लाइनिंग पर ही स्टिच देना है। तो लाइनिंग पर स्टिच देने के बाद ही मैंने किया है अपने बटन्स को स्टिच, इससे हमारे पीछे वाला गला बैठ जाएगा बहुत फिक्स और वो अपना शेप नहीं बदलेगा। तो पीछे की तरफ मैंने दिया है राउंड नेक, तो इसका ट्यूटोरियल मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। तो अब मैं करने वाली हूँ इन दोनों को इस तरीके से जॉइन, और लगा देने वाली हूँ उस पर पिन, और दूसरे साइड भी मैं करने वाली हूँ इनके शोल्डर्स को जॉइन और लगाने वाली हूँ उस पर भी पिन। और पिनिंग हो जाने के बाद मैं देने वाली हूँ ऐसे 2 स्टिचेस ऊपर शोल्डर की तरफ, बिल्कुल ऐसे। तो बनने के बाद आपका नेकलाइन लगेगा इतना ज़्यादा बेहद खूबसूरत। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थाट्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।